वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल डील्स ऑन राइट। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे BMW गाड़ी के बारे में, थोड़ा BMW कार्स के बारे में जानेंगे, गाड़ियों की थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे और आज रिव्यू करेंगे BMW 525i। अब 525i ही क्यों, ये अपने टाइम की एक बहुत मस्त गाड़ी हुआ करती थी जो आज थोड़ी अंडर रेट हो गई है और लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। और ये हमारे एक फ्रेंड की गाड़ी है जो चाहता था कि हम लोग अपना पहला वीडियो उसकी ही कार को लेकर के बनाएं। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में, गाड़ी के लुक्स और बाकी चीज़ें वहीं पे चल के डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अब BMW 525। उससे पहले चलते हैं अपन BMW की हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से ये गाड़ियाँ आईं, कब से इनका प्रोडक्शन शुरू हुआ, E39, E34 और उसके बाद E60। तो अब जानेंगे उसके बारे में डिटेल में। जानते हैं कि BMW एक लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है जो कि आज लग्जरी कार्स को बना रही है, पर BMW 1916 में बनाई गई थी और ये सबसे पहले एरोप्लेन के इंजन्स बना रही थी। उस टाइम पे इसका नाम था BFW। 1917 में कंपनी का नाम चेंज किया गया जिसको BMW किया गया, जो कि बाद में मोटरसाइकिल्स बना रही थी, फिर उसने कार बनाने शुरू किया। फिर 1928 में आकर के BMW ने पहली कार बनाई BMW 315, जो कि बहुत सक्सेसफुल गाड़ी रही। उसके बाद BMW ने फिर उसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए 328 बनाई, जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी और 1930 तक उस कार ने बहुत सी रेसें जीती। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे BMW ने एयरक्राफ्ट इंजन भी बनाए जो कि उसने जर्मन मिलिट्री को सप्लाई किए, उसके लिए उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए। लेकिन इन सब के कारण BMW को वॉर की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको फिर से कैसे रिस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद 1950 और 1960 में BMW ने लग्जरी कार का प्रोडक्शन शुरू किया और उस टाइम पे BMW जानी जाती थी हाई परफॉर्मेंस कार्स के लिए। एंड एट दैट टाइम कंपनी आल्सो डेवलप्ड सेवरल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो वो आज तक यूज़ कर रही है, जैसे कि उनका सस्पेंशन हो गया, उनकी DTC टेक्नोलॉजी हो गई, वो सारी चीज़ें कंपनी ने धीमे धीमे खोजी और आज वो BMW के सिग्नेचर फीचर्स हो गए हैं। जैसे कि सबसे मेन चीज़ है उनका टेक्नोलॉजी के बारे में कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ती है, सबसे पहले बड़े फीचर्स BMW ही लेके आती है। उसके बाद 1970s और 1980s में BMW ने 3 सीरीज को पूरी तरह से उतारा जो कि आइकॉनिक बन गई और BMW की 1975 तक सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर कार वही थी। उसके बाद BMW ने अपना को एक्सपेंड करना शुरू किया, फिर उसने SUV बनाई, फिर BMW Z3 आई जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी और जेम्स बॉन्ड की मूवी में वो कार फीचर करी गई। उसके थोड़े समय बाद BMW नए नए तरह के इनोवेशन डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी बनाती रही, फिर उसने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी तरह के ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज़ को अपनी कार में लाए, इंट्रोड्यूस किया और बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया जिससे कि गाड़ियाँ बहुत फेमस हुई। आज BMW जानी जाती है हाई परफॉर्मेंस ड्राइवर फ्रेंडली कार के, तो इसके पीछे केवल BMW का इनोवेशन, BMW के इंजीनियर्स का स्किल है कि 1917 से लेके आज तक BMW केवल अच्छी ही कार प्रोड्यूस कर रहा है और आज BMW एक ब्रांड है जो किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। एज यूजुअल BMW की किडनी ग्रिल, एडाप्टिव हेडलाइट्स, ये हेडलाइट्स आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स है क्योंकि पुरानी गाड़ी की हेडलाइट थोड़ी अलग थी, ये नए फ्रेम की हेडलाइट है। M5 बम्पर, फॉग लैंप्स और
नो डाउट BMW की बैजिंग। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी भाई ने फुली मॉडिफाइड कराई हुई है, साइड फेंडर्स भी चेंज करे हैं गाड़ी के, साइड प्रोफाइल पे आप देखो 17 इंच अलॉय व्हील, 225 50R17 के टायर, नए पैटर्न के इंडिकेटर्स विद वाइट लाइट, एम बैजिंग, साइड स्कर्टिंग इज टोटली चेंज विद एम परफॉर्मेंस टैग, हैंडल्स बॉडी कलर। ठीक है, अब आते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, एग्जॉस्ट सिस्टम विद एम पावर बैजिंग, टेल लाइट्स उन्होंने ओरिजिनली रखे हैं जैसा पहले गाड़ी में आते थे, टेल लाइट्स के साथ गाड़ी की पूरी बैजिंग करी गई है एम पावर परफॉर्मेंस के साथ। चीज देखने के लिए गाड़ी होने को अभी ऑलमोस्ट 13 साल पुरानी है, पर आप गाड़ी के पेंट क्वालिटी देखिए, आज भी वही पेंट में शाइन है, वही सारी चीज है। ये मेन होता है रखने वाले के ऊपर कि आदमी गाड़ी कैसी रख रहा है। कुछ लोग से नई गाड़ी नहीं संभलती है और कुछ लोग अपनी इतनी पुरानी गाड़ी को इतना मेंटेन रखते हैं। तो अब देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप बनाया गया था। गाड़ी का साइड डोर, उस पर आप देखें साइड पैनल पे लेदर वुडिंग है, फ्रंट आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी लेदर वुडिंग है, सारे कंट्रोल्स यहीं पे दिए हुए हैं ड्राइवर साइड पे, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का हैंडल बार, स्पीकर्स हरमन के, स्टेयरिंग आप देखें सारे कंट्रोल्स स्टेयरिंग के ऊपर ही हैं, जैसे कि म्यूजिक हटाना बढ़ाना, कॉल के लिए सारी चीजें आप देखें। इसके इंटीरियर के बारे में, अच्छी लेदर फिनिशिंग, सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर। गाड़ी थोड़ी पुरानी है इसलिए चीजें आज उत्तम नहीं लग रही, बट फिर भी जब आप बैठेंगे इस गाड़ी में तो आपको एक कंफर्ट आएगा ही आएगा। सीट्स बहुत अच्छी, गाड़ी अंदर से भी मेंटेन है, एम्बियंट लाइट लगवाई है, सारी चीजें हैं। इसके पीछे 6 फीट तक का आदमी आराम से इस गाड़ी में बैठ सकता है बिना सीट के। ये देखिए, मैं 6 फीट का हूं और आप स्पेस देखिए, पूरा स्पेस, अच्छा हेडरूम, सारी चीजें, साइड में विंडोज कर्टन, पीछे भी रियर विंडशील्ड पे कर्टन दिया हुआ है, सारी चीजें बहुत अच्छी, लाइट सिस्टम, एसी वेंट्स, सारी उस टाइम के हिसाब से गाड़ी में सारी चीजें थी। अब नीरज भाई आपको स्केल बुक्स के बारे में दिखाएंगे, तो नीरज भाई प्लीज। और इस गाड़ी का जो सबसे अच्छा हमको लगा, दैट इज ये टैग जो कि नीरज भाई अभी आपको दिखाएंगे, एम ओनर्स क्लब BMW, ब्यूटीफुल टैग। तो अब जानते हैं थोड़ा इसके इंजन के बारे में, गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अब आपको इसका इंजन दिखाते हैं। तो ये है BMW E60 का इनलाइन 6 इंजन जो कि आपको देता है 215 bhp की पावर के साथ 231 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब देखते हैं इंजन कंपोनेंट्स के बारे में। ये है आपका कूलेंट बॉक्स, ये आपकी गाड़ी की ABS की लाइंस हैं, ये आपकी AC वेंट लाइन है। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे ये ऑयल फिल्टर, ये आपका विंडशील्ड फ्लूड, ये आपका एयर फिल्टर, ये पावर स्टीयरिंग, और एक खासियत ये BMW ने ये टर्मिनल आगे दिया है जंप स्टार्ट के लिए। इस गाड़ी में बैटरी पीछे की तरफ है,
पर इस चीज को इन्होंने आगे दिया है कि पीछे से आपको बार बार खोलना ना पड़े, ना करना पड़े, आप यहाँ पे गाड़ी को जंप स्टार्ट दे के स्टार्ट कर सकते हो। ये इसकी शॉकर माउंटिंग्स आती हैं। अब इंजन को देखते हैं थोड़ा, तो आप ये देखिए इधर आकर के इसका रेडिएटर फैन का साइज देखिए कितना बड़ा है। ठीक, फ्रंट पुलिस, सारी चीजें जो कि गाड़ी को एक मैसिव पावर देती है। ये उस टाइम का N52 इंजन है जो कि बहुत फेमस हुआ था। पहले लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था, फिर उसके बाद इसको यूज़ किया गया, फिर हुआ N52, N54, उसके बाद T60 की जो M5 आई थी उस पर इंजन यूज़ हुआ था V10, जो कि 5000 हॉर्स पावर का था, पर टेक्नोलॉजी यही थी, मैसिव पावर के साथ बहुत जल्द पिकअप लेता है, बस उसके लिए अपन को थोड़ी सेटिंग समझनी पड़ती है। इसी की तरह ये इसका एसी का फिल्टर, इस साइड भी और उस साइड भी ये एसी फिल्टर है। ये आपके केबिन की हवा को डिसइंफेक्ट रखता है, जिस पर आप ये स्विच देखिए, इसमें भी सेंसर दिए कि ये अंदर आपके एसी को एकदम प्योर हवा दे। एक बार अब आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो अब शुरू करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, और सबसे पहले देखते हैं आई ड्राइव सिस्टम। उस टाइम पे तो टच स्क्रीन नहीं आता था, पर जिनकी गाड़ी है उन्होंने इसको टच स्क्रीन किया हुआ, आप ये इसको देख सकते हैं, ये नए इंटरफेस पे भी चला जाता है। अब इसी तरीके से इस पे सारी चीज़ें हैं जो अभी नई गाड़ी में है, पर बात अपन पहले करते हैं पुराने वाले सिस्टम की। तो सबसे पहले ये है गाड़ी का कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें आप अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सारी कॉल्स वगैरह ले सकते हैं, सारी कीज दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, और इस पर सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। इसी तरह OBC है इनका, ऑन बोर्ड इन्फो, जिसमें कि आपको गाड़ी के अगर आप कहीं लंबी दूरी पे जा रहे हो या सफ़र कर रहे हो तो आप उस पर सारी रेंज सेट कर दो, गाड़ी की क्या एवरेज स्पीड रही है, क्या ऑयल कंजप्शन रहा है, वो सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इंटरटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आप देखो FM, AM, CD, ऑडियो ऑक्सिलरी प्ले और TV तक का सपोर्ट है। इंडिया में तो TV सपोर्ट नहीं होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी चैनल पकड़ लेता है, एक बार अपन भी ट्राई करके देखते हैं कि कुछ आ रहा है कि नहीं। एज यूजुअल इंडिया में कोई सिग्नल नहीं तो नहीं पकड़ रहा है। अब बात करते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की, जैसा कि आप देख रहे हो कि उस टाइम पे BMW ने स्टेयरिंग व्हील पे सारे कंट्रोल दिए थे। ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए है, ये आपका टेलीफोन रिसीव करने के लिए, ये स्पीकर के लिए है। इन कीज को आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप इन कीज पे क्या चाहते हो। उसी के बाद ये ट्रैक सिलेक्शन के टाइम पे डायरेक्ट फोल्डर आगे बढ़ाने और उसके लिए। इसी की तरह सामने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, सारी डिटेल आप गाड़ी की ले सकते हो कि जैसे कि डेट हो गया, उसके बाद बाहर क्या टेम्परेचर है, क्या टाइम हो रहा है। इसी तरीके से आप नीचे गाड़ी को देख सकते हो कि एवरेज स्पीड क्या रही है गाड़ी की, ऑयल कंजम्पशन क्या था, गाड़ी अभी कितना जाएगी, ये सारी डिटेल्स आते हैं। इसी तरीके से इस पर कुछ कोड आप रीसेट कर सकते हो, वो भी हम आपको करके बताएंगे। उसके लिए गाड़ी एक बार बंद करनी पड़ेगी, और अब आपको हम इसके कोड रीसेट करके बताते हैं। जैसे गाड़ी अभी ये मांग रही सर्विस के लिए आ रहा है इस पे, उसके लिए आपको ये जो नॉब दिया होता है इसको दबा के रखना है। थोड़ी देर तक इस नॉब को दबा के रखेंगे, रीसेट हो गया 00। ये आ गया इसके ऑयल के बारे में, ब्रेक फ्लूड ऑयल के बारे में, ये इंजन ऑयल, ये कितने पे अभी डिस्क पैड इसके चेंज होने, सर्विस कितने में होनी है,
तो ये सारी चीज़ें, अब अगर हमें इसको रीसेट करना है तो हमें इसको थोड़ी देर दबा करके रखना होता है। अब जैसे हमें ये रीसेट करना है तो थोड़ी देर इसको हम प्रेस करके रखेंगे, इस पे ओके आ गया, ये ऑलरेडी रीसेट है, ओके कर देंगे, चला जाएगा गाड़ी। अब इसको रीसेट आ गया, इसको रीसेट करने के लिए एक बार और प्रेस करेंगे और वो रीसेट हो गया। तो इस तरीके से इसका ये चीज़ है जिस पर आप बिना डीलरशिप जा करके चीज़ों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के ट्रांसमिशन के बारे में। तो ये गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ये इसका स्ट्रिप्टोनिक शिफ्टर, बहुत सिंपल है, इसको सिंपल साइड बटन प्रेस करके डी पे कर दिया, गाड़ी ड्राइव पे आ गई। स्पोर्ट्स मोड में जाना, इसको हल्के से ऐसे कर दिया, स्पोर्ट्स मोड पे चली गई, वापस आने के लिए हल्का से पुश किया, ड्राइव में आ गई, एक पुश पे ये न्यूट्रल पे चली गई, एक पुश पे रिवर्स पे चली गई। अब अगर इसको पार्किंग करना है डायरेक्टली अपन को, तो सिंपल पी बटन प्रेस कर देंगे, गाड़ी पार्किंग में आ गई। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, इसके एसी के बारे में, जो कि इसका एक हिडन फीचर है। अब जैसे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल पे आप गए, तो इस पे अपन इंडिपेंडेंट मोड में जाएंगे। इंडिपेंडेंट मोड में जाने के बाद स्विच ऑन टाइम कर देंगे। सपोज जैसे मान लीजिए अपने को कहीं निकलना है 10:30-11 बजे, तो अपन ने टाइम इस पे 10:30 बजे का सेट कर दिया। अब 10:30 का अगर टाइम सेट कर देते हैं इसमें, तो होगा क्या कि गाड़ी 10:30 बजे, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी किसी गाड़ी में नहीं थी, 10:30 बजे गाड़ी का एसी अपने आप ऑन हो जाएगा, आइए आप बैठिए ठंडी गाड़ी में और आराम से चल दीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं गाड़ी के स्टोरेज के बारे में, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इस पर एक छोटी सी स्टोरेज दी हुई है, जिसको लोग केवल स्टोरेज की तरह यूज करते हैं, पर ये एक प्रेस का भी काम करता है। इसमें अंदर एक स्विच दिया होता है, जिसको आप ऊपर कर दीजिए तो चीज़ें आपके अंदर ठंडी रहेंगी। ये बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होता है, पर ये एज अ कूल ग्लव के बॉक्स का काम करता है। इस पर आप कुछ भी रख दीजिए, पहले ये मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया था, अब वो चीज़ इस पर शायद काम नहीं करती, तो ओनर ने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ये इसके आर्म रेस्ट के लिए, आगे पीछे स्लाइड होता है, ड्राइविंग के टाइम पे आप आराम से हाथ रख के चला सकते हो सारी चीज़ें। ये इसका आई ड्राइव सिस्टम के लिए, आप कुछ भी टॉगल करो सारी चीज़ इससे होती हैं। ये उसका मेन्यू। अब ये इसका दिया हुआ है यहाँ पे DTC। लोगों को बहुत शिकायत होती है कि BMW E60 पिकअप के मामले में थोड़ी धीमी गाड़ी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको अगर गाड़ी ड्रिफ्ट करानी हो, कुछ करानी हो, तो इसके DTC को दबाया, सामने DTC लिख के आता है, तो लोगों को लगता है कि DTC ऑफ हो गया, लेकिन ये ऑफ ऐसे नहीं होता है। इसको ऑफ करने के लिए भैया इसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। 5 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ये आला सिंबल आ जाता है, मतलब आपकी गाड़ी का ट्रैक्शन पूरी तरह से बंद हो गया। अब आप गाड़ी दौड़ाइए, ड्रिफ्ट करिए, कुछ करिए, गाड़ी आपको पूरा सपोर्ट करेगी और वहीं से आपको पिकअप गाड़ी लेके दिखाएगी। दूसरी चीज़ होती है इसके एक्सीलेटर के पैडल में, आप पैडल को 2 बार टैप करोगे अगर, तो गाड़ी ऑटोमेटिक उस पर गियर शिफ्ट होता है और गाड़ी 2 बार ऐसे केवल करना है, गाड़ी का RPM 2500 से 3000 निकल जाता है और गाड़ी वहीं से उड़ जाती है। तो ये तो हो गए इसके हिडन फीचर्स के बारे में बातें। अब बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स के बारे में। ये यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप आराम से खोलो। उस टाइम पे एकदम इलेक्ट्रॉनिक टाइप दिया था, धीमे धीमे ऊपर आता है सारी चीज़ें, अंदर लाइट दी है, सब दी है, अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसी तरीके से ये कप होल्डर्स दिए हैं, ये ड्राइवर साइड के लिए है, ये पैसेंजर साइड के लिए है। और अब इस गाड़ी का बात कर लेते हैं
इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो उन्होंने वो कराया है, इसको अपन ने टॉगल कर दिया। अब अगर अपने को नेविगेशन में जाना है, डायरेक्टली यहाँ से नेविगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, गूगल मैप खुल जाता है। एज यूजुअल जैसे अपन को यूज करना होता है मैप, उस तरीके से इसमें सेलेक्ट करनी होती चीजें, आप सेलेक्ट करके डेस्टिनेशन कर सकते हैं। ब्लूटूथ है इसमें, वाईफाई सपोर्ट है, सारी चीजें हैं, म्यूजिक है, वीडियो आप देख सकते हो इसमें कोई भी। अब जैसे एक अपन वीडियो चला रहे हैं, yes you are. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? So you didn't think you could get any better, huh? तो आप स्क्रीन की क्लियरिटी देखिए, सारी चीजें देखिए, मजा लीजिए गाड़ी चलाते टाइम। तो ये कुछ चीजें थी जो गाड़ी के अंदर के बारे में थी। इधर गाड़ी के सारे हेडलाइट्स वगैरह के स्विच दे रखे हैं, ये गाड़ी के स्विच हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ, और ये ऑटोमेटिक। इसी तरीके से ये गाड़ी के फॉग लैंप के लिए है, ये रियर फॉग लैंप के लिए है, और ये लेंस एडजस्टर है, ये स्टार्ट स्टॉप बटन इधर, इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं गाड़ी में। तो भाई लोग, ये था वीडियो BMW 525i के बारे में। हालांकि गाड़ी पुरानी हो गई है, पर बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है, जिनको हम लोग ने बताया। हो सकता है आप लोगों को फीचर्स ना पता हो, आज आप जाने हो, एक बार उनको यूज़ करके ज़रूर देखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट करिए। बस आप लोग से इतना ही बोलेंगे, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम लोग को सपोर्ट करिए। थैंक्स अ लॉट भाई लोग, बस ये है, हमेशा आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू। I don't